फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम, जो बहुत ही टेस्टी और सुपर सॉफ्ट बनती है, और घर के बहुत कम सामान से इसे हम बना लेते हैं झटपट से। चलिए देखते हैं कैसे बनी है। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास दूध लिए ले लिया है, बॉइल्ड भी ले सकते हो आप, कच्चा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास लिया है दूध, और आम तो मीठा होता है, और इसलिए मैंने यहाँ 4-5 चम्मच शक्कर की ली है, और यह 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर का ले रही हूँ। उसमें ठंडा दूध मैंने डाला है, और 2 चम्मच जो मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर का, उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छे से मिक्स करके मैं रख लूँगी, अच्छे से घोल लेंगे। अभी तक मैंने गैस नहीं जलाया है, तो इसको इसमें मिक्स कर दूंगी मैं, शक्कर दूध और कॉर्नफ्लोर का मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब गैस जलाऊंगी मैं, गैस ऑन कर दिया मैंने, और लो फ्लेम में इसे रखेंगे गैस को, और इसको धीरे धीरे हम स्पैचुला को नीचे तक ले जाते हुए इसे दूध को अच्छे से हम चलाएंगे, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। लो फ्लेम में इसे हम चलाते रहेंगे इस प्रकार से, जो साइड में भी गाढ़ा गाढ़ा सा आ जा रहा है दूध, उसे भी हम इसे मिक्स करते हुए स्पैचुला से बीच में डालते जाएंगे, ताकि क्रीमी क्रीमी सा एकदम बने। तो यहाँ पर दूध एकदम गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है, देखिए हल्का हल्का थिक हो रहा है, और जो स्पैचुला से हम साथ चारों तरफ का दूध बीच में डालते जाएंगे, जो क्रीम जम रही है ना उसको बीच में डालते जाएंगे, गाढ़ा हो गया है, देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए, और ठंडा होने के बाद तो और गाढ़ा हो जाएगा। बस गैस को फ्लेम में बंद कर दूंगी, ठंडा होने के लिए उसी में रख दूँ। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख लेते हैं, पके आम हम लेंगे, इसका पल्प ज़्यादा हो। अच्छे से धो लिया मैंने आम को, और ऊपर से हम इसका ऊपर से ऐसे काट देंगे थोड़ा सा। आम को हम चाहे पीलर से भी छील सकते हैं, चाकू से भी हम बारीक बारीक इसको ऊपर से पील कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम पील कर लेंगे, और इसके लिए हम पके आम लेंगे, कलर जिसका अच्छा हो, आइसक्रीम का कलर भी वैसे ही अच्छा एकदम अच्छा लगेगा देखने में, ऐसा पके आम हम ले लेंगे अच्छे कलर वाले। तो यहाँ अच्छे से देखिए पील कर रही हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी आइसक्रीम, और बहुत ही जल्दी बन जाती है कम सामान से। दोनों आम को इस प्रकार से पील कर लूंगी मैं। अगर एक बड़ा आम है तो आप एक ले सकते हो बड़ा वाला, छोटा था इसलिए मैंने 2 ले लिए हैं। इस प्रकार से भी हम इसको कैसे भी रफली बड़े बड़े पीस करके हम डालेंगे, पीसना है मिक्सी में ही है, तो रफली इसे काट लेंगे हम। एक बार इस प्रकार से बना के देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी बहुत ही जल्दी बन जाए आइसक्रीम, बहुत जल्दी बन जाए। तो बस दूसरी तरफ देखिए, मिश्रण ठंडा हो गया है, गाढ़ा हो गया, ठंडा होके इसे मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था परात में पानी डालकर, जल्दी ठंडा हो रहा है। इसे ठंडे को ही आप मिक्सी में पीसिएगा, गर्म में नहीं डालेंगे। तो आम भी मैंने काट लिया है बारीक बारीक, तो अब इसे पीसेंगे मिक्सी जार में, मैं इसे डाल रही हूँ। और मिश्रण को भी डाल देंगे ठंडा होने पर। और यहाँ पर 1 दिन की क्रीम मेरे पास थी ताजी, तो उसे मैं डाल रही हूँ, अगर है तो डालिए, नहीं है तो इसे स्किप आप कर सकते हो। तो देखिए कितना गाढ़ी गाढ़ी सी एकदम बनी है। तो इसे मैं कोई भी कंटेनर आप ले लीजिए, कोई टिफिन बॉक्स या किसी में भी आप इसे इस प्रकार से डाल लें, सारे मिश्रण को डाल लेंगे, और इसे हम इस प्रकार से फॉइल से ऊपर लगा के, इसको फॉइल लगा कर इस प्रकार से ढक्कन लगा के इसे मैं फ्रीजर में 2-3 घंटे के लिए जमने के लिए रख दूंगी। इसके बाद में आगे
बताऊंगी क्या करना है। 2-3 घंटे के लिए फ्रीजर में से मैं रख दूंगी। बस इसे मैं रख रही हूँ फ्रीजर में और 3-4 घंटे के बाद मैंने देखिए इसे निकाल लिया है। तो इस प्रकार से आधी जमी है ये आइसक्रीम। इस प्रकार से आप ऐसे भी खा सकते हो इसको, और थोड़ी देर रख कर ना आप इसे वैसे भी खा सकते हो और जमा कर इसे। तो मैं इसे इस प्रकार से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया इसे एक बार और मैं मिक्सी में पीस लूंगी इसे। तो फट से घुल जाती है ये जल्दी से। और एक बार मैं इसे और चलाऊंगी ऐसे मिक्सर में। तो इसे रोक रोक कर मैं चलाऊंगी लगातार, मिक्सी में इसे नहीं चलाएंगे, मिक्सी रोक रोक कर चलाऊंगी। इतना गाढ़ा सा टेक्सचर देखिए हो गया है, टेक्सचर कितना अच्छा आया है। गाढ़ा गाढ़ा सा एकदम। तो इसे फिर से मैं उसी बॉक्स में डाल दूंगी। इसे अच्छे से फैला देंगे और जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स है आप कुछ भी इसके ऊपर सजाने के लिए डाल सकते हो। मैंने इसमें काजू बादाम किशमिश उससे गार्निश किया मैंने। आप अगर हैं तो डालिए, नहीं है तो आप चेरी से भी सजा सकते हो इसके ऊपर। तो फिर से इसके ऊपर फॉइल लगा कर मैं ढक्कन लगा के रख दूंगी। आप रात भर भी रख सकते हो या 7-8 घंटे के लिए भी आप रख सकते हो इसे फ्रीजर में। इससे क्या उसके ऊपर आइस नहीं आए जमेगी, आइस के क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे बर्फ इसके ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर। तो बस इसे मैं अब रख दूंगी फ्रीजर में। तो यहाँ देखिए 7-8 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। तो अब 10 मिनट तक ऐसे ही रखे किचन काउंटर पर, ऐसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब इसे मैं काट रही हूँ। देखिए इस प्रकार से आप काट सकते हो, बहुत ही अच्छी बहुत ही जल्दी बन गई है। तो ये देखिए बनके तैयार हो गई है। ऐसे पीसेस में काट लिया मैंने इसे, बनने के लिए एकदम तैयार है। ये अच्छी बनी, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो आप भी इस प्रकार से बनाएं। और अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे इंजॉय कीजिए और बनाएं।